ऋतुस्त्राव के कुछ मुख्य बिंदु। यह ऋतुस्त्राव अट्ठाईस से 30 दिन में एक बार होता है। दूसरा, ऋतु स्त्राव का प्रारंभ यौवनारंभ के आरंभ होने में होता है। यौवनारंभ के साथ होता है, जिसे रजोदर्शन और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मीनाक, जिसे क्या कहा जाता है, रजो दर्शन, अर्थात जब पहला होगा तो पहली बार दर्शन, रजो दर्शन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मीनार्क कहा जाता है। ऋतु स्त्राव का अंत अर्थात अंतिम ऋतु स्त्राव कब था? जनन अवधि का अंत 45 से 50 वर्ष की आयु तक। तो अंतिम ऋतुस्त्राव कब होगा? 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है। तथा जब यह रुक जाता है तो इस स्थिति को रजो निवृत्ति कहते हैं। जो निवृत्ति मतलब रुक जाना, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? रजो निवृत्ति कहते हैं। यह सभी परिवर्तन अर्थात कि ऋतुस्त्राव का प्रारंभ होना, ऋतुस्त्राव का बंद होना, यह सभी परिवर्तन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह सभी परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं और इस रजो निवृत्ति को अंग्रेजी में मेनोपॉज भी कहते हैं। मेनोपॉज, पॉज मतलब रुक जाना, जैसे कि हम बोलते हैं पॉज हो गया, तो ये इसमें पॉज हो गया, रुक जाता है। यह सभी मुख्य बिंदु ऋतुस्त्राव के हैं। अगला इसमें आता है संतति का लिंग निर्धारण। संतति का लिंग का निर्धारण होना,
इसे देखते हैं कि संतति का लिंग निर्धारण, लिंग मतलब सेक्स, कि पैदा होने वाला बच्चा या शिशु लड़का है या लड़की है, इसे लिंग का निर्धारण कहते हैं। संतति में होने वाला यह लिंग निर्धारण उसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्र हम देखते हैं कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र शरीर हमने पता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है और यह गुणसूत्र उन्हीं केंद्रक में स्थित होते हैं। यह गुणसूत्र धागे नुमा संरचना होती है, जैसे कि पतला धागा होता है उसी तरह की यह गुणसूत्र संरचना होती है। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे देखते हैं कि यह गुणसूत्र धागे नुमा संरचना है। बिल्कुल धागे के समान संरचना होती है और यह गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक में पाई जाती है। इसी प्रकार से जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाते हैं तो बनने वाला निषेचित अंडाणु या युग्मनज वह एक कोशिकीय होता है और उसी कोशिका में यह गुणसूत्र भी उपस्थित होते हैं। इस तरीके से इस गुणसूत्र में ये धागे नुमा संरचना में यह संदेश निहित होता है कि बनने वाला जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की, यह संदेश इसमें निहित होता है और यह कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। मनुष्य में प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र, जिनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता, ऐसे होते हैं। बाकी के जो गुणसूत्र होते हैं एक जोड़ी, वह लिंग गुणसूत्र होते हैं। बाईस जोड़ी गुणसूत्र इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता। इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता तो यह गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र कहलाते हैं? इन गुणसूत्रों को कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र। आ मतलब नहीं, लिंग गुणसूत्र। तथा इन 22 जोड़ी के अलावा जो एक जोड़ी गुणसूत्र बचा है, यह एक जोड़ी गुणसूत्र, यह एक जोड़ी गुणसूत्र उत्पन्न होने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। इसे कहा जाता है क्योंकि यह लिंग का निर्धारण कर रहा है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाएगा।
गुणसूत्र पुरुषों तथा स्त्रियों में, पुरुषों में एक्स वाई तथा स्त्रियों में एक्स एक्स होते हैं। लिंग गुणसूत्र लड़का तथा लड़की, लिंग गुणसूत्र होते हैं लड़कों में एक्स वाई। तथा लड़कियों में होते हैं एक्स एक्स। तथा इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के आधार पर भविष्य में होने वाले बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। जब लड़के का एक्स गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से मिलता है, देखिए इसे कि जब लड़के का एक्स गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो यहाँ पर क्या हो गए, डबल एक्स। तो भविष्य में बनने वाला शिशु जो होगा वह लड़की होगी। तो क्या होगा, लड़की उत्पन्न होगी। जब पुरुष का वाई गुणसूत्र एक्स से लड़की के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो संतति में गुणसूत्र कौन कौन से आएंगे, संतति में देखो आप, इसमें संतति में गुणसूत्र आएंगे लड़की वाला x और लड़के का y, तो बनने वाला होगा एक्स वाई। तो एक्स वाई किसके लिए होता है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई किसका है, लड़के का। तो बनने वाली जो संतति होगी वह है लड़का होगा। अब आपको समझ आ गया इसमें कि बनने वाला संतति लड़का है या लड़की है, यह निर्भर सिर्फ पुरुषों पर करता है। अतः जब आप अपने आसपास देखो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़की पैदा की है, यह माता की गलती है, तो वह माता की गलती नहीं है। आप उन लोगों को यह बताकर समझा सकते हैं कि लड़का या लड़की उत्पन्न होना पिता पर निर्भर करता है, ना कि माता पर। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी औरत को इस चीज के लिए उसे परेशान करता है तो यह व्यवहार अन्याय संगत है और यह बात भी निराधार है, बिना आधार की है। क्योंकि लड़का या लड़की उत्पन्न करना, यहाँ पर देखें, लड़की के हाथ में, माता के हाथ में नहीं है, वह सब पिता के हाथ में है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, लिंग हार्मोन के अलावा हमारे शरीर में कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, इन्हें हम एक के बाद एक समझते हैं। जैसे पहला आता है पीयूष ग्रंथि, ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। देखिए आप यहाँ पे इसकी स्थिति कि यह ग्रंथि कहाँ पर है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। यह ग्रंथि कैसी होती है, बिल्कुल मटर के दाने की, इतनी छोटी, जैसे मटर का दाना होता है वैसे होती है, मटर के दाने के समान।
पीयूष ग्रंथि हार्मोनों को स्त्रावित करने के साथ साथ अन्य हार्मोन को नियंत्रित भी करती है। स्त्रावित मतलब निकलना। पीयूष ग्रंथि हार्मोन को स्त्रावित करने के साथ साथ अन्य ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है। अतः पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहलाती है पीयूष ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। अगली इसमें ग्रंथि हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह गले की अस्थि यह बाहर की ओर लटक जाती है। इसे गेंघा या गोइटर रोग कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में कितने विज्ञापन आते हैं, उसमें बोला जाता है कि आयोडीन की कमी से ये गेंघा रोग हो जाता है, इसलिए हमें नमक में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। तो यह थायराइड ग्रंथि वही होती है जो यहाँ से बाहर लटक कर आ जाती है। थायराइड ग्रंथि सबसे पहले इसमें इसकी स्थिति कि ये कहाँ पर होती है, गले में। दूसरा, यह स्त्रावित करती है कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। थायराइड से याद करिए, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन के कमी होने से, जब इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंघा या गोइटर। रोग हो जाता है जिससे गला बाहर की ओर लटक जाता है। अगली ग्रंथि इसमें स्थिति में देखिए, अगली ग्रंथि होती है एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल को अधिवृक्क भी कहा जाता है। अब ये देखिए कि इसे अधिवृक्क क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर टोपी के समान है। देखिए इसमें कि यह वृक्क है, वृक्क के ऊपर टोपी के समान स्थित होती है, इसलिए इसे अधिवृक्क यानी कि वृक्क के ऊपर, इसलिए इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। इसकी स्थिति देखिए कि यह होती है वृक्क के ऊपर, इस कैसे होती है? टोपी के समान। अब देखते हैं इसमें स्त्रावित होने वाला हार्मोन
अधिवृक्क ग्रंथि को क्या बोलते हैं, एड्रिनल, तो इसके स्त्रावित होने वाले हार्मोन को भी इसी से याद रखिए, एड्रिनेलिन, इसका स्त्रावित हार्मोन होता है एड्रिनेलिन। यह एड्रिनेलिन हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रोध, भय और चिंता के समय स्त्रावित होता है। एड्रिनेलिन हार्मोन क्रोध, भय और चिंता के समय स्त्रावित होता है। एड्रिनेलिन हार्मोन कहाँ पर होती है, इसकी स्थिति वृक्क के ऊपर टोपी के समान। इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन एड्रिनल से याद रखेंगे, एड्रिनेलिन हार्मोन, और यह एड्रिनेलिन हार्मोन क्रोध, भय और चिंता के समय स्त्रावित होता है। अगली ग्रंथि हम देखते हैं स्थिति के अनुसार, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि आमाशय के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यहाँ पर हमारा आमाशय होता है, अग्नाशय ग्रंथि उसके ऊपर एक पत्ती के समान चिपकी रहती है। तो यह इसकी स्थिति हो गई आमाशय के ऊपर, अर्थात आमाशय मतलब पेट, हमारे पेट में आमाशय, उसके ऊपर यह पाई जाती है। अब इसके द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन, इसके द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हार्मोन स्त्रावित होता है, जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन आपने सुना होगा कि यह व्यक्ति मधुमेह से या डायबिटीज से पीड़ित हो गया है, अब यह ज्यादा शुगर नहीं खा सकता। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब तुम्हें डायबिटीज हो गई है, मिठाई मत खाओ, मीठा मत खाओ, कुछ भी ज्यादा शुगर किसी भी चीज में मत खाओ, सब चीज की मना करते हैं। तो वह यही इंसुलिन हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। कमी से होता है डायबिटीज। या इसको बोला जाता है मधुमेह। रोग हो जाता है।